खबर बलिया जिले के पकड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत तराशपाली गांव के दर्जनों महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर डीएम को पत्र देकर आरोप लगाया कि तराशपाली गांव में पुलिस ने तांडव किया और लोगों के घरों में घुसकर पुरुषों से लेकर महिलाओं तक की जमकर पिटाई की। पूरा मामला सरकार पट्टे की जमीन को लेकर है, जहाँ पट्टे की जमीन पर ग्राम प्रधान अंजनी सिंह और पुलिस से मिली भगत पर पट्टे की जमीन पर मिट्टी का कार्य करा रहे थे, जिसका विरोध करने पर पुलिस ने जमकर पिटाई किया। वहीं इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान अंजनी सिंह ने बताया कि ग्राम सभा की 51 डिसमिल जमीन है, जिसमें उन लोगों का 10 डिसमिल जमीन का पट्टा हुआ था। उस जमीन पर कानून गोल लेखपाल और नायाब तहसीलदार ने प्रशासन के साथ गए थे और उन लोगों को 14 डिसमिल जमीन नाप कर दे दिया और 2 डिसमिल में रास्ता निकाल दिया और सब कुछ ठीक था। लेकिन वहां के सरवन सिंह और राजेश जी वहां पर अधिकारियों से पूछने लगे कि आप कौन अधिकारी, और प्रशासन को गाली भी देने लगे और ढेला पत्थर चुराने लगे, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। कांति देवी। कांति कहाँ के रहने वाली हैं? तराजपाली। पर ये है कि सारे लोग तो भाग गए इधर उधर, और पकड़ी थाने के वो भुटको ईसो दरोगा आए और भुटकुन के साथ थे प्रधान जी, और वो सब लोग हम लोग कुंडी लगाए थे चारों तरफ से लाश से मार करके और तोड़ के घुस गए अंदर और बड़ी इतना झोटा वोटा घसेट करके इतना मार मारे भोसड़ी वाली रंडी, हम अभी आप पर मुकदमा कर देंगे, हरमजादी कुत्ती, साथ में लड़कियां भी थी उनको भी हाथ उठाए और भोसड़ी रंडी वाली रंडी रखा है, यही सबको बोल रहे थे सर। और पूरा वॉशिंग मशीन जितना घर में सामान है सब तोड़ फाड़ कर दिए हैं सर, आटा पिसान सब छीट दिए हैं, सब छीट दिए हैं। क्या इस मामले को लेकर पुलिसिया गई थी आपके यहाँ? यही कि जमीन के लिए पट्टा थी, हम लोग घर बनाए हैं और उसमें लाइटिंग बाथरूम नहीं है, छोटा सा 2-3 मकान बनाए हैं, उसमें ना लाइटिंग है ना बाथरूम है ना किचन है, और बाहर थोड़ा सा जमीन है, हम लोग पाटा कराए हैं 2 आदमी के नाम से, सुमन देवी कांति देवी के नाम से, और वहाँ पर किचन बाथरूम लाइटिंग बनवाना है हमको, वहीं पर बीच से फाड़ कर वो लोग रास्ता मांग रहे हैं। हमको यही है कि जिधर से कागज में रास्ता है उधर से ही चाहिए। शांति। शांति कहाँ के रहने वाली है? तराज पहले। अब समस्या यही बा कि हमारे 3 लड़की रह, एगो जाए वाला भी है बेरा और 2 और बर भी अभी आ कर लेके बड़ी मार मार के थी लेके भाग गए थाना पर, अब वो 12-1 रात में करा के छोड़ लहा। आखिर क्यों, क्या है मामला, क्यों आखिर पुलिस लड़की छत पर रहले अपन लड़का के लेके खियाओ तरल 2 ताला रहल बंद, तब जैसे हम बानी हमरा संगे और केहू नहीं छे बाहर बा, तो बाहर वाला ताला बंद के लिए रही ना, तो ताला बंद के लिए रहल तो ओकरा के लात से मार के चाबी कहत रहन से कि दे, तो चाबी कहते कि हमरा लगे नहीं छे, हमर चाचा चाची बाहर वालो, तो 2 ताला तुर के आ घुस गेल से देखल से तुम्हें केहू ना रहल ऐसे कि बिस्तर से पुलिस रहल से आ घुस के आ लड़कियन के लगल से मारे ना रहल महिला ना रहल उहे पुलिस रहल मार के, जब हम कहनी कि होती चुकी लड़का वक्त वाला भी आ काहे मारे तनी तो हमरे के 3-4 थप्पड़ दे देल सा है, चुकी साल भर के लड़का के हम गोदी में ले लेबे। मेरा नाम अंजनी सिंह है, ग्राम सभा पकड़ी के मैं प्रधान हूँ। इसमें सच्चाई ये है कि वहाँ ग्राम सभा के नवीन प्रति 51 डिसमिल है, जिसमें उनका 10 डिसमिल पट्टा हुआ था। उस जमीन को लेखपाल कानगोज और नायब तहसीलदार डिप्यूट कर प्रशासन के साथ गए थे, वहाँ एक रास्ता की जो विवाद चल रहा था, जो साल भर पहले उसको फेंका गया था मिट्टी, वो मिट्टी फेंका गया था उसी पर नाप कर उनको 14 डिसमिल दे दिया गया, 2 डिसमिल में रास्ता निकाला गया। जब सब कुछ सब वहाँ सब खूंटा वोटा गड़ गया था, प्रधान तहसीलदार साहब भी बोले, लेखपाल साहब भी बोले कि प्रधान जी अपना आप यहाँ काम कराइएगा, तो उसी पक्ष में सब बात करते हुए सब सम्मानित लोग वहाँ के थे कहे कि ठीक है ठीक है। तो वहाँ पे आकर सरवन सिंह एक नाम के लड़के हैं और राजेश आकर प्रशासन से उलझ गए, तहसीलदार साहब को भद्दी भद्दी गाली देने लगे, लेखपाल साहब को भी गाली देने लगे, ईंटा पत्थर चलाने लगे। वहाँ का वही है, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।